Hi guys, now we are discussing the interview questions on array in Java. So friends, we have one more question. While creating the multidimensional array, can you specify an array dimension after an empty dimension? While creating a multidimensional array, can you specify an array dimension after an empty dimension? मतलब जब भी आप multidimensional array declare करेंगे तो क्या empty dimension के बाद आप कोई value दे सकते हैं? जैसे बताता हूं एग्जाम्पल, अगर हम यहां पे ऐसे लिखेंगे, नो यू कैन नॉट स्पेसिफाई एन एरे डायमेंशन आफ्टर एन एम्प्टी व्हाइल क्रिएटिंग मल्टी डायमेंशन एरे, इट गिव्स compile time error. Example, अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा integer bracket 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 of a equal to new int of a bracket of 5 of a bracket, invalid है. ऐसे भी आप नहीं कर सकते हैं. मतलब आपने पहले bracket blank रखा, बाद में शायद ऐसे नहीं होगा. पहले आपको यहाँ पे value देनी पड़ेगी. बाद का bracket हो सकता है blank, लेकिन पहला blank नहीं चलेगा. ये blank नहीं चलेगा, यहाँ पे नहीं है. उसके बाद इंटीजर ब्रैकेट 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 ऑफ बी इक्वल टू न्यू इंट ऑफ ए 5 ब्लैंक 5, इज इट, ये भी इनवैलिड है. मतलब आप यहां पे 5 दे सकते हैं, ये ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन आप यहां पे साइज देखिए, ये ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. या इंटीजर ऑफ ए ब्रैकेट 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 ऑफ ए सी इक्वल टू न्यू इंट ऑफ ए ब्रैकेट ब्लैंक 5, it is also invalid. मतलब आप ये दोनों को भी देख के लास्ट वाला ब्लैंक कर सकते हैं. मतलब गाइस आप याद रखिए कि इस डिक्लेरेशन में लास्ट वाला ब्रैकेट जो है वो आपको ब्लैंक रहेगा, लेकिन पहला ब्रैकेट ब्लैंक करके बाद में आप साइज नहीं दे सकते. ये क्वेश्चन का ये मतलब था. आर गेटिंग? ओके, थैंक यू.